चिड़चिटा, जिसे ट्राइबुलस टेरेस्ट्रिस के नाम से भी जाना जाता है, एक पौधा है जिसका उपयोग आमतौर पर स्वास्थ्य संबंधी पारंपरिक चिकित्सा के लिए किया जाता है। नंबर एक, गुर्दे की पथरी। लगभग 1 से 3 ग्राम चिड़चिटा के पंचांग का क्षार बकरी के दूध के साथ दिन में 2 बार लेते हैं। इससे गुर्दे की पथरी गलकर नष्ट हो जाती है। नंबर दो, खूनी बवासीर। चिड़चिटा की 25 ग्राम जड़ों को चावल के पानी में पीसकर बकरी के दूध 7 दिन में 3 बार लेने से खूनी बवासीर ठीक हो जाती है। नंबर तीन, कुष्ठ। चिड़चिटा के पंचांग का काला लगभग 14 से 28 मिलीलीटर दिन में 3 बार सेवन करने से कुष्ठ कोरह रोग ठीक हो जाता है। नंबर चार, विसूचिका, हैजा। चिड़चिटा की जड़ों को 3 से 6 ग्राम तक की मात्रा में बारीक पीसकर दिन में 3 बार देने से हैजा में लाभ मिलता है। नंबर पांच, शारीरिक दर्द। चिड़चिटा की लगभग 1 से 3 ग्राम पंचांग का सार नींबू के रस में या शहद के साथ दिन में 3 बार देने से शारीरिक दर्द में लाभ मिलता है। नंबर छह, तृतीयक बुखार। चिड़चिटा, अपामार्ग या ओंगा की जड़ को लाल रंग के धागों में रविवार के दिन लपेटकर रोगी की कमर में बांध देने से विजारी बुखार चला जाता है। नंबर सात, खांसी के दूध। चिड़चिटा को जलाकर छानकर उसमें उसके बराबर वजन की चीनी मिलाकर 1 चुटकी दवा के साथ रोगी को देने से खांसी बंद हो जाती है। नंबर एट, आवयुक्त दस्त अजाझाड़े। चिड़चिटा के कोमल के पत्तों को मिश्री के साथ मिलाकर अच्छी तरह पीसकर मक्खन के साथ धीमी आग पर रखें। जब यह गाढ़ा हो जाए तब इसको खाने से अन्वयुक्त दस्त में लाभ मिलता है। नंबर नौ, गुर्दे के रोग। 5 ग्राम से 10 ग्राम चिड़चिटा की जड़ का काढ़ा, 1 से 50 ग्राम सुबह शाम मुलेठी, गोखरू और पाठा के साथ खाने से गुर्दे की पथरी खत्म हो जाती है। इसकी क्षार अगर भेड़ के पेशाब के साथ खाएं तो गुर्दे की पथरी में ज्यादा लाभ होता है। नंबर 10, पक्षाघात, लकवा फालिस पैरालिसिस। 1 ग्राम काली मिर्च के साथ चिड़चिटा की जड़ को दूध में पीसकर नाक में टपकाने से लकवा या पक्षाघात ठीक हो जाता है। नंबर 11, जलोदर अजाझाड़े। चिड़चिटा का चूर्ण लगभग 1 ग्राम का 1/4 भाग की मात्रा में लेकर पीने से जलोदर यानी पेट में पानी भरना की सूजन कम होकर समाप्त हो जाती है। नंबर 12, शीतपित्त अपामार्ग। चिड़चिटा के पत्तों के रस में कपूर और चंदन का तेल मिलाकर शरीर पर मालिश करने से शीतपित्त की खुजली और जलन खत्म होती है।